हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आप सबका वेलकम है आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में. और जो लोग हमसे हार्वेस्ट की चैनल के थ्रू आज हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि हजारों लोग हैं जो हार्वेस्ट के चैनल के थ्रू हमसे जुड़ते हैं हर दिन, तो अपना ये सब्सक्राइब का बटन आप जरूर क्लिक करें. तो आज की जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो आप सबको मैसेज गया है कि हम यूरीफ्लश लिक्विड एंड यूरीफ्लश टैबलेट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं. एंड सबसे पहले आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम श्रद्धा राय है, हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ. इंडिया के 25 स्टेट्स अभी तक मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है और लगभग 4 सालों से हार्वेस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ. और आज मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगी हमारे हार्वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए. हमारे हार्वेस्ट के मैनेजमेंट, एमआई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट, बहुत सारे लोगों के पीछे हाथ है माय फ्रेंड इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए. आप बस मुझे स्क्रीन पे देखते हैं, बट मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सक्सेसफुल बनाने के पीछे लगे हैं. हमारे बहुत सारे सीनियर स्टार्टिंग से एंड तक सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं ताकि आप तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए. तो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम हमेशा बात करते हैं कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं. प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा जो मेन जो वेपन है, वो हथियार जो है, वो प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट आप क्या लेकर मार्केट में जा रहे हो, आपके पास क्या है, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको होना, पता जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप किसी को कोई चीज दे रहे हो एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आप ही उस प्रोडक्ट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाओगे. मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ माई फ्रेंड, कोई कंपनी से प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, कंपनी से नहीं, वो आपसे प्रोडक्ट ले रहा है. जब आप किसी के पास जाते हो तो वो आपको उस कंपनी का वो समझता है और वो आपसे वो प्रोडक्ट ले रहा है, तो आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि यस, ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूँ वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स है और हर एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. इसीलिए हम आपसे इस लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारी कंपनी ने आपसे जुड़ने तक आपको एजुकेट रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक सीरीज स्टार्ट किया है. बात करें इसलिए हमारी कंपनी इंडिया की फर्स्ट ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसका हमारा एक खुद का एजुकेशन सिस्टम है, जिसके बारे में हम सबको पता है, जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी. हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी कहता है जब हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो ही तो लाइफ में पैसा आता है. हम अपनी स्टडीज पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं. क्यों? मार्केट में अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छी वो इनकम अपना फ्यूचर बना पाए, इसलिए हम उनको अच्छी एजुकेशन देते हैं. एमआई लाइफस्टाइल में 2,10,000 कमा सकते हैं, वो भी हफ्ते का. ये अगर कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा ही. किसी भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें सीखना पड़ता है. इसीलिए हमेशा कहते हैं लर्न के आगे एक एल लगा है. मतलब जब आप अर्न तभी करते हैं जब आप लर्निंग लेते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं. इसलिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आप तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है. आप जितना कंपनी से जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कंपनी बहुत सारी नई नई चीजें लाती रहती है. आपको पता है हमारी कंपनी हर बार कुछ नया आपके लिए लेकर आती है. तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की जो हमारी पेज है, इस पेज को आप जरूर लाइक करें फेसबुक पे, और हमारे यूट्यूब पे चैनल है, बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है. हमारी कंपनी आज 6 ब्रांड्स के साथ मार्केट में आई है. बात करिए हमारे कौन कौन से 6 ब्रांड्स है. आप सबको पता है इंडिया में FMCG मार्केट बहुत बड़ा है. कहते हैं इसका एक वीक का टर्नओवर, एक हफ्ते का टर्नओवर 6,000 करोड़ का है, एक साल का टर्नओवर 3,00,000 करोड़ का है. कहने का मतलब क्या है, बहुत बड़ा एक मार्केट है. इसलिए हमारी कंपनी कुछ बेस्ट क्वालिटी ब्रांड्स लेकर आई है, जैसे एलिमेंट्स वेलनेस. ये जो ब्रांड है वो भी आयुर्वेदा पे बेस्ड है. ऑन एंड ऑन में हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, आहार, न्यू स्टार, एमआई होम, घर में जो चीजें हम यूज करते हैं वो इसमें हैं. और इंडिया ग्रो, ये हमारा ऑर्गेनिक ब्रांड का एक, हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड है. तो मतलब क्या है, कंपनी बेस्ट क्वालिटी ब्रांड्स आपके लिए लेकर आई है. हर एक फील्ड के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी आपके लिए लेकर आ रही है. बात करें मैं हमेशा, अभी हमने 10-12 दिन में हमने हर एक टॉपिक पे, हर एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने इस चीज पे बहुत बात की है, दैट इज इम्यूनिटी. मतलब हम जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीजें आ रही है, बीमारियां भी नई नई सुनने को मिल रही है, और ये सारी बीमारियां, ये सारी चीजें हमारे इम्यूनिटी को कम करती है. मतलब बीमारियों से जो होने वाली जो प्रॉब्लम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की कम हो जाती है, योर इम्यून सिस्टम अगर आपका वो कम हो जाता है, तो हमें बीमारियां होती है. अभी जो हमने टोटल, अगर मैं बात करूं इस 12 दिनों में, हमने 14 प्रोडक्ट्स के बारे में, आज हम 2 प्रोडक्ट्स के बारे में और ले रहे हैं, 12 दिनों में हमने 12 प्रोडक्ट्स के बारे में जो बात किया, वो सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करते हैं, हेल्दी रखने में मदद करते हैं, जो हमें बहुत सारी बीमारियां होने से बचाता है. लेकिन जैसा आप सबने सुना, हमारी कंपनी एक ब्रांड लेकर आई है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस. और ये जो ब्रांड है वो आयुर्वेदा को फॉलो करते हुए ये ब्रांड बनाया गया है. मतलब आयुर्वेदा की गुडनेस को हम इस ब्रांड के थ्रू लेकर आए.
पहले के लोग सात्विक जीवन जीते थे, अच्छा खाना खाते थे, प्योर ऑक्सीजन लेते थे, तो बात करें वो आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। आज हम आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बाहर का भी खा रहे हैं, नूडल्स भी खा रहे हैं। मतलब हमें आज के जमाने के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमें आज के जमाने के हिसाब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने साइंस को यूज करके, आयुर्वेदा जैसे बहुत पुराने शास्त्र को यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर हम सब के लिए एक स्पेशल ब्रांड बनाया जिसका नाम हमने रखा एलिमेंट्स वेलनेस। ये जो ब्रांड है ये हमारे आयुर्वेदा के 5 तत्वों के ऊपर बेस्ड है। एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी उनका नाम है डॉक्टर नारायणा सर, डॉक्टर डीपी नारायणा। इनके बारे में बात करें, और सीरियसली माय डियर फ्रेंड, वी आर ब्लेस्ड टू हैव नारायणा सर, हमारे लीडिंग साइंटिस्ट, हमारे लीडिंग जो पर्सन है जो सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सारे फॉर्मुलेशन उनके हैं। ये जो नारायणा सर की बात करें तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 years, 45 सालों का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा एंड फार्मा में। ही इज एक्सपर्ट इन फार्मा, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, उनको गोल्ड मेडल मिला है आयुर्वेदा में, डाबर, हिंदुस्तान लेवर, बलसारा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में, रेनबैक्सी जैसी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको, एपीआई के कमिटी मेंबर रह चुके हैं। आज हम थोड़ा एपीआई के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, तो एपीआई के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी हमारे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ऐसे लोग हमारे साथ आज काम कर रहे हैं। बात करें, हमारे इस ब्रांड को एक बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन मिला है जिसको हम कहते हैं बेस्ट, जो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2009 का रिकॉग्निशन मिला है एलिमेंट्स वेलनेस को। और अगर इस रिकॉग्निशन की बात करें, पहली बार अगर बात करें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी इंडियन मेड इन इंडिया के ब्रांड को ये जो रिकॉग्निशन मिला है वो पहली बार हुआ है। और सबसे अच्छी चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, इसके लॉन्च होने के जस्ट 4 सालों के अंदर ही, 4 साल ही हुए हैं, 4-5 साल हमारे इस ब्रांड को, और इतने कम समय में ये रिकॉग्निशन मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लोगों तक लेकर जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए उसके एक मेड इन इंडिया ब्रांड को ये रिकॉग्निशन मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका एक छोटा सा 30 सेकंड्स का मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगी, इस वीडियो से जुड़े रहिएगा जो हमें ये अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। टुगेदर फॉर एलिमेंट्स वेलनेस, जॉइनिंग अस ऑन स्टेज नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इवनिंग इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग दोज हु डन देयर वेरी बेस्ट इन द हेल्थ केयर सेगमेंट, बी इट पर्सनल केयर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वेलनेस, ऑल अबाउट अ गुड हेल्थ एंड मोर। To the team, I'd like to thank you for joining us. तो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा हमारे जो साइंटिस्ट हैं नारायणा सर, मिस्टर के राजे सर, हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट कंसल्ट सलील मेथ्यो सर, ये अवार्ड हमें वो तब दिया जा रहा है जो हमें बेस्ट रिकॉग्निशन अवार्ड हमें ये मिला था। अब बात करें हमारा जो ये ब्रांड है वो किस पे बेस्ड है, ये आयुर्वेदा पे बेस्ड है। आयुर्वेदा को हम सब जानते हैं, आयुर्वेद जो है वो बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना शास्त्र है जो हजारों सालों से लोगों को नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को कैसे बीमारियों से दूर रखना है वो सिखाता आया है। और बात करें एक ऐसा आप कह सकते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी आयुर्वेदा के को मिलाकर कहते हैं बेसिक, अगर हम आयुर्वेदा के बारे में बात करें तो आयुर्वेदा के बेसिक्स में बोला जाता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों को मिलाकर बनाया हुआ है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, इन 5 तत्वों को मिला के हमारे बॉडी में 3 तरीके के दोषास पाए जाते हैं जिसको हम वात, पित्त, कफ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, कहते हैं इस पूरे यूनिवर्स में ये जो पूरा ब्रह्मांड है इन्हीं 5 तत्वों से बना है, इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है जिससे आपका बॉडी बना, आपका शरीर बना है। ब्रह्मांड में 70% वाटर है, 70% पानी है, आपकी बॉडी में भी 70% वाटर है। कहने का मतलब क्या है, आयुर्वेद एक सिंपल सी चीज कहता है, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी बॉडी में ये वात, पित्त, कफ ये अगर बैलेंस होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जब इनका बैलेंस खराब होता है तो आगे चलकर प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी जो ये एलिमेंट्स वेलनेस का जो ब्रांड लेकर आई है, आयुर्वेदा की गुडनेस को यूज करके, आयुर्वेदा के शास्त्र को यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके और हमारी करेंट लाइफस्टाइल के बेसिस पे
एक ब्रांड बनाया गया है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। तो अभी हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के भी प्रोडक्ट देखे हैं और बहुत सारे हमने ऑन एंड ऑन के भी प्रोडक्ट देखे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। लेकिन आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है यूरिफ्लश लिक्विड एंड यूरिफ्लश टैबलेट। अब ये जो है ये आप इसको कह सकते हैं जोड़ी नंबर वन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी लेकर आई है जिसमें बहुत एक यूनिक प्रोडक्ट है। आज इसकी पहली बार अगर बात करें तो इतने डिटेल में हम जाकर बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डायरी पेन पास में रखिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज आपको नोट डाउन भी करने हैं इस यूरिफ्लश को लेकर। बात करें यूरिफ्लश थ्री लिक्विड, यूरिफ्लश थ्री लिक्विड का मतलब क्या है, यूरी आपके यूरिन से जो भी ऐसी खराब चीजें हैं, टॉक्सिन्स चीजें हैं, जो भी खराब चीजें हैं उसको फ्लश आउट करता है तीन बेनिफिट्स के साथ। और यूरिफ्लश थ्री प्लस जो है उसमें कुछ एडिशनल है जो मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट या टैबलेट या कैप्सूल्स में नहीं मिलेगा। ये जो यूरिफ्लश टैबलेट आप देखते हैं माय डियर फ्रेंड, ये बहुत एक स्पेशल प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इस प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे लोगों को आज दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, इस लॉकडाउन के टाइम पे जब हमने बस इम्यूनिटी के ऊपर बात किया है तो आज ये यूरिफ्लश को लेकर हम क्यों आए हैं। माय फ्रेंड आज के टाइम पे सबसे जरूरी चीज क्या है, खुद को वायरस से बचा के रखना। वायरस से बचा के रखना है मतलब हमें घर पे रहना है। कहते हैं वायरस जो है जब तक आप बाहर नहीं जाओगे वो आपके घर में नहीं आएगा, वो बहुत ईगो वाला है, जब तक आप नहीं जाओगे उसको बुलाने वो नहीं आएगा। मतलब इस टाइम पे हमें ज्यादा हॉस्पिटल्स क्लिनिक को थोड़ा सा अवॉइड करना है, तो क्योंकि चांसेस जो होंगे वो हमें ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए अगर बात करें किडनी स्टोन्स का जो प्रॉब्लम है, या बहुत सारे लोगों को यूरिनरी ट्रैक में अगर इन्फेक्शन होता है, ऐसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है। ये जो प्रॉब्लम है खासकर किडनी स्टोन की, अगर कभी किसी को इस टाइम पे कुछ पेन वगैरह होने लगे या अगर बात करें तो हमें उसमें इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। और अगर बात करें इसीलिए हमारी कंपनी ने यूरिफ्लश लिक्विड एंड यूरिफ्लश टैबलेट, हमारा ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आया है, जो अगर कभी किसी को ऐसा भी है कि दो साल पहले हुआ था और किडनी स्टोन्स कभी कभी होने के चांसेस रहते हैं, रिपीट हो जाता है, या कभी किसी को ऐसा है कि यूरिन के जो ट्रैक हेल्थ है वो अच्छा नहीं है, मतलब यूरिन में कुछ इन्फेक्शन है या कुछ भी ऐसा है, तो वो आप एज अ प्रिकॉशन भी ले सकते हैं। मतलब इस टाइम पे हमें हॉस्पिटल्स को अवॉइड करना है तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमने देखा हार्ट को कैसे अच्छा रखना है, हमने देखा अपने लिवर को कैसे अच्छा रखना है, तो आपके किडनी का भी तो ख्याल रखना है, किडनी के हेल्थ का भी अच्छा रखना है, किडनी को भी अच्छा रखना है, यूरिन के इन्फेक्शन से हमें बच के रहना है। इसीलिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो अभी के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है और हमारी कंपनी के मैनेजमेंट को भी ऐसा लगता है कि ये आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एक बहुत ही जरूरी कॉम्बिनेशन है। बात करें सबसे पहले इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम समझते हैं कि किडनी होता क्या है। किडनी हम सबको पता है हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। दोनों जो किडनी होता है, कहते हैं एक इंसान एक किडनी पे भी अपनी जिंदगी बिता सकता है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि किडनी डोनेट कर दिया या किडनी दे दिया। तो अगर बात करें किडनी हमारी बॉडी में जो दो ऑर्गन होते हैं, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप आती है और एक ब्लैडर में नीचे मिल जाती है। ये जो पाइप होती है जो आपके किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करती है उसको हम यूरेटर कहते हैं। ये जो किडनी है ये आपके बॉडी में ना एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे हमारे घर में हम एक्वागार्ड से क्या करते हैं, पानी को छानते हैं, हमारी बॉडी में भी किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन, मतलब अच्छी चीजों को रख लेता है, खराब चीजों को आपकी उस पाइप से लाकर उस ब्लैडर में फुल कर देता है। जब वो ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरिन के रास्ते हम उसको बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें माय फ्रेंड, बहुत सारे लोगों में आज ये किडनी के प्रॉब्लम देखा बहुत ज्यादा कॉमन देखा जा रहा है। लेकिन ये फिल्टर क्या करता है, आपके खून को फिल्टर करता है, आपके खून को लगभग 150 टाइम्स 150 बार से भी ज्यादा वो फिल्टर करता है, अच्छी चीजों को रख लेता है, खराब चीजों को बॉडी से बाहर कर देता है। तो किडनी का खास ख्याल रखना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें ये स्टोन्स क्या होते हैं, हमने बहुत ज्यादा स्टोन सुना होगा, किडनी का स्टोन हो गया, बहुत जगह पे इसको पथरी भी कहते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को आज ये पथरी या स्टोन्स की प्रॉब्लम देखी जा रही है। स्टोन्स एक्चुअली छोटे छोटे ना क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारी किडनी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं ये जो स्टोन्स हैं ये कभी कभी जो होते हैं आपके किडनी में होते हैं, या उस किडनी से निकलकर वो जो पाइप आप देख रहे हैं जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ता है यूरेटर, उसमें आके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत सारे लोगों को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम देखा जाता है। स्टोन कहाँ पे है और उसका साइज कितना बड़ा है, ये दोनों चीजें जानना जरूरी है।
क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ये किडनी का जो स्टोन है वो निकल कर जब उस पाइप में आकर अटक जाता है तो बहुत ज्यादा कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप लंबे समय तक इसको ध्यान नहीं देते हो, छोड़ देते हो, तो आगे चलकर आपकी किडनी को भी डैमेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी बॉडी में 6 तरीके के किडनी स्टोन्स बनते हैं। आपको सब रटने की जरूरत नहीं है। जो 3 सबसे ज्यादा कॉमन है और जो सबसे ज्यादा केसेस देखे जाते हैं, आज उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहला, कैल्शियम ऑक्सिलेट। बोलते हैं 60% केसेस जो स्टोन्स के देखे जाते हैं वो कैल्शियम ऑक्सिलेट की वजह से होते हैं। कैल्शियम ऑक्सिलेट का कारण क्या है? अगर आप ज्यादा कैल्शियम रिच डाइट ले रहे हो, ज्यादा दूध पी रहे हो, ऑक्सिलेट रिच फूड खा रहे हो, ऑक्सिलेट रिच फूड का मतलब आप ज्यादा पालक खा रहे हो, ज्यादा चाय पी रहे हो, ऐसी चीजें जब हमारी डे टू डे लाइफ में हम ज्यादा कर देते हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो वो जो कैल्शियम ऑक्सिलेट होते हैं वो आपको असेंबल होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं और स्टोन्स का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो अगर बात करें तो 60% जो केसेस है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के देखे जा रहे हैं। दूसरा जो इन्फेक्शन देखा जाता है उसको हम स्ट्रुवाइड स्टोन्स भी कहते हैं। ये नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे आप बेसिक चीजें याद रखिएगा। स्ट्रुवाइड जो होता है वो कहते हैं लगभग 24% केसेस में ये देखा जाता है, और स्पेशली ये विमेन के केसेस में, लेडीज के केसेस में ये स्टोन्स की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो स्टोन्स होता है वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का जो हेल्थ है, आपके जो यूरिन के जो रास्ते का जो हेल्थ है, अगर वो अच्छा नहीं होता है, आपका यूरिन ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, और जो बैक्टीरिया ग्रोथ होता है उसकी वजह से स्ट्रुवाइड नाइम का एक मिनरल प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये स्टोन जमना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक कारण देखा जाता है। अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड भी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है। कहते हैं 15-16% लोगों में यूरिक एसिड के जमने की वजह से भी होता है। यूरिक एसिड किसकी वजह से ज्यादा होता है? जब आपके खाने में ज्यादा हम प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लेते हैं, ज्यादा ही प्रोटीन हम खा रहे हैं, तो बॉडी क्या करता है, यूरिक एसिड ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में नॉर्मली भी बनता है, लेकिन आपके यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर ज्यादा बन रहा है, आप ज्यादा पानी इनटेक नहीं ले रहे हो, तो यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और वो जमना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है कि यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जल्दी स्पॉट नहीं हो पाता है, इसीलिए बहुत सारी स्टोन्स की प्रॉब्लम लोगों में आजकल बहुत कॉमन देखी जा रही है। बात करें आज इंडिया के सिनारियो की बात करें, तो इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज पे बात करती हूँ जो नॉर्मली मैं अपनी ट्रेनिंग्स में लेती हूँ। आपको पता है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना जिसका बहुत बड़ा मार्केट बना सकते हैं। क्यों? अगर हम बात करें, कहते हैं अमेरिका के टोटल जो पॉपुलेशन है वो 32-35 CR के बीच में, 32-35 करोड़ के बीच में, और आप देख रहे हैं इंडिया में 15 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। मतलब आधा अमेरिका अगर हम बात करें तो उसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। अगर इंडिया में 15 करोड़ लोग इतने हैं जिनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं अगर इस कॉम्बिनेशन को हम सही तरीके से मार्केट में लेकर गए तो कितना बड़ा मार्केट हम खड़ा कर सकते हैं। कहते हैं हर 6 मेल में, हर 6 जेंट्स में एक को किडनी स्टोन अपने लाइफ में होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और आपको भी पता है माय डियर फ्रेंड, अगर आपको किडनी स्टोन ज्यादा हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपका ऑपरेशन वगैरह होते हैं, 60-70-80,000 का खर्चा तो ऐसी नॉर्मली हो जाता है। तो अगर हम पहले से प्रिकॉशन लेंगे तो हम बहुत सारी इस प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं। और कहते हैं बहुत सारे लोगों को पूरे दुनिया में, अगर 12% की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 12% जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम देखी जा रही है और बढ़ती जा रही है। यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या क्या आते हैं? आपको किडनी में स्टोन्स हो गया है, या आपके ब्लैडर का कुछ प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती है यूरिन के हेल्थ से रिलेटेड, तो अगर बात करें तो वो 12% लोगों में पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है। कहने का मतलब क्या है, आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा उनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम देखा जाता है। कहते हैं 10% लोगों का जो किडनी फेलियर होता है ना, रीनल फेलियर का कारण भी एक किडनी स्टोन को एट्रीब्यूट किया गया है, मतलब उसकी वजह से देखा जाता है। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको किडनी स्टोन है, और जब उनको पता चलता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और आगे चलकर हमें ऑपरेशन ही सजेस्ट करना पड़ता है और सर्जरी ही करवानी पड़ती है। इसीलिए अगर बात करें किडनी स्टोन के कारण क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला है हेरिडिटी हो सकता है। हेरिडिटी का मैंने वेल हार्ट में भी बताया था कि अगर फैमिली में वही सारे डाइट है, वही सारी चीजें, लाइफस्टाइल वैसी है, तो आपको भी चांसेस है कि फ्यूचर में आपको ये चीज हो सकती है।
दूसरा आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब आपका स्वेट ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम ज्यादा देखा जाता है, पसीना ज्यादा निकल रहा है, यूरिन से ज्यादा पसीना निकल रहा है गर्मी की वजह से। दूसरा, अगर आप अपने खाने में बहुत ज्यादा कैल्शियम ले रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दूध वाली चीजें खा रहे हैं, या आप ज्यादा ऑक्सलेट रिच डाइट ले रहे हैं, मतलब ज्यादा पालक खा रहे हैं, ज्यादा बीन्स वगैरह भी खा रहे हैं, ज्यादा चाय पी रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जब हम खाते हैं जिसमें ऑक्सलेट हाई है, तो वो भी किडनी स्टोन बनाने में मदद करता है। ज्यादा आप नॉन वेज खा रहे हैं, ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, वो भी किडनी स्टोन बनाने में हेल्प करता है। और आप ज्यादा अगर नमक का भी कंजप्शन ज्यादा करें, सेवन ज्यादा करें, नमक ज्यादा खा रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है। बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा दवाइयां खाते हैं, दवाइयों की अगर बात करें, जब आप ज्यादा मेडिकेशंस लेते हैं तो ज्यादा हैवी मेडिकेशंस की वजह से भी किडनी स्टोन के चांसेस देखे जाते हैं। अगर आपके बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब आपका खाना अच्छे से पच नहीं रहा, बहुत सारी बॉडी में केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो अगर अच्छे से नहीं बनते हैं, तो हमारी बॉडी में ये जो बहुत सारी चीजें वो क्रिस्टल बनने लगती है, वो जुड़ने लगती है, आगे चल के क्रिस्टल्स बनने के कारण स्टोन्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। और बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशंस को भी आयुर्वेदा में अवॉइड करने को बोला गया है। जैसे कभी भी आप टमाटोज को मिल्क के साथ मत खाइए, टमाटर को मिल्क दूध के साथ मत खाइए, ये भी कैल्शियम ऑक्सलेट बनाने में हेल्प करता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशंस को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। और लास्ट में बात करें, अगर आप ज्यादा पानी नहीं पी रहे, क्योंकि आपको पता है जब आप पानी 2-3 लीटर अच्छे से पीते हैं, तो जो भी ऐसे यूरिक एसिड है या जो भी ऐसी चीजें हैं, वो आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू, स्टूल के थ्रू वो फ्लैश आउट हो जाती है, यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। जब आप पानी नहीं पीते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं वो जमने लगती हैं और स्टोन्स का रूप आगे चलकर ले लेती है। बात करें इसको हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्टोन्स का प्रॉब्लम है। देखिए आज बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी जुड़ते हैं, अगर बात करें 30-40 हज़ार लोग हमारे साथ आज हर दिन जुड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो है नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के, उनका मेडिकल से कोई रिलेशन नहीं है, उनको मेडिकल की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम अपनी ट्रेनिंग बहुत सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, ताकि हर एक इंसान जिसको मेडिकल का कोई एम भी नहीं पता ना, उनको भी सारी ट्रेनिंग समझ में आए। तो इसमें कुछ कुछ आज इस ट्रेनिंग में वर्ड्स आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। हमें कैसे पता चलेगा, आपको कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे के एरियाज तक ये दर्द फैलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको ये सिम्टम्स है कि आपको स्टोन्स का प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी चीज, आपको फीवर हो सकता है, बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, या नौजिया, मतलब आपको जी मचलता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको स्टोन्स का ये इशू हो सकता है। आगे बात करें, हम इस पे नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं काम करो, अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड जिसको हम जिसमें अल्ट्रासाउंड जब आप करते हैं, तो आपका KUB टेस्ट भी बोला जाता है, आपकी किडनी, आपका यूरेटर जो पाइप हमने देखी थी, और ब्लैडर, इन तीनों के हेल्प में देखता है कि उसमें क्या है, कहीं वहां पे तो स्टोन्स नहीं है। तो ये KUB टेस्ट के थ्रू स्टोन का साइज कितना बड़ा है और एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है, ये दो चीजें हमें उससे पता चलती है। और बात करें, अगर आपका स्टोन का साइज 3 mm तक के अंदर है, तो इजिली उसको रिमूव किया जा सकता है। 3 से 7 mm का है तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, और अगर 7 mm के ऊपर है तो आपको इमीडिएट किसी सॉल्यूशन की जरूरत है, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन मेडिसिंस की जरूरत है जो आपका नेचुरल तरीके से स्टोन्स को बाहर निकाले। इसीलिए अगर बात करें माय फ्रेंड, बहुत सारे लोगों में नॉर्मली किडनी का जो स्टोन्स है, अगर आपके किडनी में है तो उतना हार्मलेस नहीं होता है, अगर वो छोटा है, बड़ा होगा तो आगे चल के प्रॉब्लम करेगा। जब यूरेटर की पाइप में आता है तो लोगों को पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। बात करें मार्केट में इसका क्या सलूशन है, हर एक चीज का मार्केट में भी सलूशन है, तो मार्केट में क्या हम करते हैं, अगर आपको किडनी स्टोन्स की वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो हम पेन किलर्स खाते हैं। पेन किलर क्या करता है, दर्द को आराम देता है, लेकिन पेन किलर कभी भी आपके स्टोन्स को कम नहीं करता है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स भी दी जाती है जो आपके यूरिन को अल्कलाइन करती है। जैसा आप याद रखिएगा, हमारा यूरिन जब ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टोन्स बनना प्रॉब्लम हो जाता है। ज्यादा अगर यूरिन एसिडिक हो जाता है तो बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के चांसेस देखे जाते हैं। तो ऐसी मेडिसिन दी जाती है जिसको हम यूरिनरी अल्कलाइजर कहते हैं, वो क्या करते हैं, आपके यूरिन को अल्कलाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टोन्स को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलता है।
बहुत ज्यादा अगर आप पानी पीने को बोला जाता है कि काम करो ज्यादा पानी पियो जो स्टोन्स है बॉडी से बाहर निकल जाएगा, या आपको यूरेटर रिलैक्सेंट जैसी मेडिसिन दी जाती है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं आपका यूरेटर जो है वो थोड़ा सा वो उतना रिलैक्स नहीं है तो स्टोन जो है उसमें स्टक हो गया, अटक गया है। लेकिन जो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके यूरेटर को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, जो आपका यूरेटर रिलैक्स हो जाता है तो स्टोन जो है वो आपके यूरेटर से निकलकर आपके ब्लैडर में चला जाता है और ब्लैडर के थ्रू आपके यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो यूरेटर रिलैक्सेंट जैसी भी मेडिसिन दी जाती है और बहुत सारे केसेस में लिथोट्रिप्सी नाम का भी एक प्रोसेस है जिसमें हम शॉक वेव से आपके जो बड़े स्टोन थे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं और वो जब छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो बॉडी से उसको बाहर निकाल जाता है। या तो यूरेट्रोस्कोपी द्वारा हमारे यूरिन के रास्ते से अगर आपका कोई स्टोन आपके यूरेटर के रास्ते में अटका हुआ है, उस पाइप में अटका हुआ है, तो यूरिन के रास्ते से आपको मशीन के द्वारा उस स्टोन को बाहर निकाला जाता है। और लास्ट में अगर स्टोन का साइज ज्यादा बड़ा है या बहुत सारे स्टोन है तो सर्जरी भी रिकमेंड किया जाता है। आपने ये बहुत सारे तरीकों में देखा, हमने कहीं पे भी ये बात नहीं की कि ये आप पेन किलर लो या ये मेडिसिन लो तो आपके स्टोन के साइज को कम करता है, क्योंकि मार्केट की अगर मेडिसिन की बात करें तो आपके स्टोन्स के साइज को कम नहीं करता है, वो बस एक ऑल्टरनेटिव आपको एक सोल्यूशन देते हैं। मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जिनको हम डायोरेटिक्स कहते हैं। डायोरेटिक्स 2-3 महीने के लिए पेशेंट को दे दिया जाता है जो आपको यूरिन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन ये कहीं नहीं दिया है कि डायूरेटिक्स जो है आपके स्टोन्स के साइज को कम करता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट जरूर देखे गए हैं। आपको हेडेक, सिर में दर्द होने लगता है, चक्कर जैसा आने लगता है, आपको बहुत ज्यादा थर्स्ट प्यास लगने लगती है, आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मसल्स क्रैम, मांस रेशियो में क्रैम्स आने लगते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों को स्किन पर रैशेज हो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों को गाउट, जिसको मैं यूरिक एसिड जमने की वजह से भी गाउट का प्रॉब्लम देखा जाता है, जिसको हम गठिया भी कहते हैं कुछ जगहों पे, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम मार्केट के मेडिसिन की वजह से देखी जाती है। बात करें अब अगर मार्केट की जो मेडिसिन है इसके ऊपर बात करिए, आपके स्टोन्स के साइज को कम नहीं करता। एंटीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो लंबे समय तक उसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं और कोई श्योरिटी नहीं है कि ये प्रोडक्ट आप ले रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं वो आपके स्टोन्स के साइज को कम करेगा, और लास्ट में हमें प्रोसीजर ही करवाना पड़ता है, सर्जरी ही करवानी पड़ती है। लेकिन आयुर्वेद के पास इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आयुर्वेद में बहुत सालों से काम कर रहा है और आयुर्वेद को यूज करके हमारे साइंटिस्ट ने 2 बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट निकाले जिसका नाम यूरिफ्लश लिक्विड एंड यूरिफ्लश 3+ टैबलेट्स है। तो टैबलेट्स के बारे में आज हम पहली बार डिटेल में जानेंगे, तो पहले हम लिक्विड के बारे में एक बार देखते हैं। और ये जो तरीका है वो इफेक्टिव है, सेफ है और एक कंप्लीट है जो आपके किडनी के हेल्थ को भी अच्छा रखता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में बात करूंगी। यूरिफ्लश का जो लिक्विड है इस पे हमने बहुत सारे नोबल हर्बल फॉर्मूला है, बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन डाला गया है जो क्या करता है, यूरिन को बढ़ाने में मदद करता है। मार्केट में यूरिन को बढ़ाने के लिए वो डायूरेटिक्स दिया जाता था जिसके साइड इफेक्ट्स होते थे, ये नेचुरल तरीके से यूरिन को बढ़ाता है, स्टोन्स के साइज को कम करता है, स्टोन्स को आपके किडनी से निकालकर ब्लैडर में, यूरेटर से लाकर ब्लैडर से निकाल के आपके शरीर से बाहर निकालता है, अगर कुछ स्वेलिंग हुआ है तो स्वेलिंग को, सूजन को कम करता है और इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें बहुत हर्बल कॉम्बिनेशंस के फॉर्म, बहुत ही नोबल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जैसे गोखरू डाला गया है जो स्टोन्स को निकालने की क्षमता रखता है और दर्द को कम करता है। कुल्थी जो है ये पुराने जमाने में घोड़ों को दी जाती थी, घोड़े जब युद्ध पे जाते थे उनको बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता था, लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो उनके खाने में ये दाल डाल दी जाती थी जो स्टोन्स को बनने नहीं देती थी। तो जो कुल्थ है वो आपके स्टोन्स को कम करता है, फिर से स्टोन्स के होने के जो चांसेस है उसको कम करता है, आपके यूरिन के जो फ्लो है उसको बढ़ा देता है और आपके छोटे से लेकर मीडियम स्टोन्स पे भी काम करता है। पुनर्नवा एक सुपरस्टार हर्ब है जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हमने यूज किया है, जैसे अगर आपको याद होगा डेली डिटॉक्स में, ब्लड प्योरिफायर में, इन दोनों में हमने पुनर्नवा को यूज किया है। पुनर्नवा आपके किडनी के फंक्शन को भी अच्छा करता है, मतलब आप एज अ प्रिकॉशन भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको किडनी स्टोन है तो ही आपको ये प्रोडक्ट लेना है, आप ये प्रोडक्ट एज अ किडनी का प्रोडक्ट समझ कर भी ले सकते हैं।
कितना लेना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अगर किसी का बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप यूरिक एसिड को भी आपके यूरिन से बाहर निकालने में लिक्विड जो है वो बहुत अच्छा काम करता है और उसको छोटा कर देता है, स्टोन्स को छोटा कर देता है। इसमें एक स्पेशल चीज माउंटेन नॉट ग्रास डाला गया है जो स्टोन्स को एक बेहतरीन तरीके से आपकी बॉडी से कम करने में, छोटा करने में काम करता है। और ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा माय फ्रेंड। ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन हमारी कंपनी लेकर आई है। अब इसके तीन बेनिफिट्स क्या है, हमने इसमें थ्री फॉर्मूला क्यों बोला है। सबसे पहले इसमें कुलथ की दाल डाली गई है जो घोड़ों को दी जाती थी, स्टोन्स नहीं बने लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान, तो ये उसमें डाला जाता था। हमने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब मेथड्स में स्टोन्स को बनाया, उसमें जब जड़ी बूटियों का लिक्विड डाला तो क्या देखा, स्टोन्स का साइज कम होने लगा। आप ये कह सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है एक मल्टी फंक्शनल नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो क्या करता है, मल्टीफंक्शनल मतलब बहुत तरीके से काम करता है। स्टोन्स को बाहर करता है, इन्फेक्शन से लड़ता है, किडनी को रिजुविनेट भी करता है, किडनी को अच्छा भी रखता है और आपके यूरेटर की हेल्थ को भी अच्छा करता है, जो किडनी की जो पाइप है उसको भी अच्छा रखने में मदद करता है। और हमने क्या देखा, जब हमने अपने उसमें स्टोन्स डाले तो जब वो जड़ी बूटियों का जो हमने एक्सट्रैक्ट डाला उसमें, तो वो स्टोन्स के साइज जो है उसको कम होने लगा, वो छोटा होने लगा। तो ये हमने प्रूव भी किया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर तरीके के स्टोन्स में काम करता है। जो भी हमारे किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं वो हर तरीके के स्टोन्स को कम करने में हेल्प करता है। और खासकर लेडीज में यूरिन के इन्फेक्शंस वगैरह, किडनी इन्फेक्शंस वगैरह ज्यादा देखे जाते हैं, तो जिन भी लेडीज को ये प्रॉब्लम है वो भी एज अ प्रिकॉशन के लिए इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं यूरिफ्लश टैबलेट के ऊपर। माय फ्रेंड ये जो यूरिफ्लश टैबलेट है ना, ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स में से एक बहुत ही एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया गया और मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। ये एक नोबेल कॉम्बिनेशन है जो फर्स्ट टाइम मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। इस प्रोडक्ट जो है इसमें एक स्पेशल एक पेटेंटेड फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है जिसको क्लिनिकली प्रूव किया गया है कि 4 mm से लेकर 9 mm तक, 4 mm टू 9 mm के साइज को ये क्लिनिकली प्रूव किया गया है कि उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक पेटेंटेड फॉर्मूला है, ये कोई नॉर्मल फॉर्मूले पे ये प्रोडक्ट को नहीं बनाया गया है। तीसरी चीज, इसको बनाने वाले कौन है, उसके पीछे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। इनको बनाने वाले इंडिया के बहुत लीडिंग यूरोलॉजिस्ट हैं जिनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है एलोपैथ में भी और प्लस आयुर्वेदा में भी। तो इन्होंने उन दोनों साइंस को यूज करके हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, 5000 पेशेंट्स पे ऑलरेडी उन्होंने इसको टेस्ट किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो इनका नाम क्या है, इनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेश बी पटनाकर सर। ये इंडिया के एक बहुत ही लीडिंग यूरोलॉजिस्ट हैं और इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है एक सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट करके। ही इज अ चेयरमैन ऑफ एस हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको, 12 से ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे 25 से ज्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशन हैं इनके, 2 बहुत ही अच्छे पॉपुलर बुक के ये ऑथर हैं। और सबसे अच्छी बात है इन्होंने एक नोबेल फॉर्मूला बनाया है माइलोपेंट किडनी स्टोन्स को अच्छा रखने के लिए, किडनी स्टोन्स को ठीक करने के लिए, जिसको US एंड यूरोप पेटेंट मिला है। तो ये दिस इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्मूला, ये एक पेटेंटेड फॉर्मूला है और वी आर वेरी लकी कि सर ने हमारे साथ ये फॉर्मूला शेयर किया और हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लेकर आया है जिसके बारे में आज हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। अब ये प्रोडक्ट यूनिक क्यों है, अगर बात करें यूरिफ्लश टैबलेट के बारे में तो इसमें तीन तरीके के शार्ट्स डाले गए। ये बेसिकली होता क्या है, ये आप ये कह सकते हैं कि प्लांट बेस्ड कंपाउंड होता है, मतलब जो प्लांट्स होते हैं होती हैं, अब ऐश का मतलब होता है राख, मतलब हमने टॉप क्वालिटी के हर्ब्स को हमने यूज करके और एक स्पेशल तरीके से इसको बनाया जाता है ताकि हमें बेस्ट क्वालिटी शार्स मिले। और ये जो शार्स होते हैं वो आपके स्टोन्स को कम करते हैं, ये जो शार्स होते हैं वो आपके सिस्टम को अल्कलाइन करते हैं। हमने देखा जब हमारा सिस्टम ज्यादा एसिडिक होता है तो स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, ये आपके सिस्टम को अल्कलाइन करते हैं। और इसमें हमने टॉप क्वालिटी के हर्ब्स को यूज करके बेस्ट क्वालिटी प्रोसेस हमने शार्स निकाले हैं, ये इसको बहुत ही यूनिक चीज बताता है। यही एक प्रोडक्ट का हमारा एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है जो मार्केट के आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। और जब आप इसको यूरिफ्लश लिक्विड के साथ देते हैं तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं।
बात करें, मैंने पहले बताया आपके सिस्टम को अल्कलाइन करता है, और जो जो स्टोन्स है हमारी बॉडी में उसके ना बीच के जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ देता है, मतलब स्टोन्स को छोटा करने में भी मदद करता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट हर्ब्स डाले गए हैं, एक हमारा पुनर्नवा जो हमारा सुपर स्टार हर्ब है, किडनी के फंक्शन को अच्छा रखता है, यूरिक एसिड को आपके यूरिन से बाहर निकालता है और आपके स्टोन्स को छोटा करता है और उसको डिजोल्व करता है, कम करता है। वरुण जो है इसके स्टोन्स पे मल्टीपल बेनिफिट देखे जाते हैं, और वरुण जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के स्टोन्स पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए। अब लिक्विड और टैबलेट में डिफरेंस क्या है? आपने हमेशा सुना होगा 1+1 2 होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो 1+1 मिलकर बनाते हैं वो 11 बनाते हैं, मतलब बहुत ही यूनिक फॉर्मुलेशन ये बनाया गया है। लिक्विड के बारे में पहले देखेंगे, फिर टैबलेट्स के बारे में देखते हैं। लिक्विड आपके यूरिन को बढ़ाने में मदद करता है, जो मार्केट में डायोरेटिक्स कर रहा था साइड इफेक्ट्स के साथ, ये नेचुरल तरीके से करता है। स्टोन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, उसको छोटा करके बाहर निकालने में मदद करता है। बॉडी में अगर कोई सूजन है, स्वेलिंग है, उसको कम करता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। टैबलेट जो है वो बहुत यूनिक तरीके से बनाया गया है और वो सिट्रेट प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब क्या है, आपके यूरिन का जो पीएच है उसको बढ़ाता है, अल्कलाइन करता है। एसिडिक जब रहेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसको अल्कलाइन करता है। सो स्टोन्स के जो बीच का बॉन्ड है उसको तोड़ता है और फिर से स्टोन होने के जो चांसेस है उससे प्रिवेंट करता है। अगर आपकी किडनी में कुछ रिपेयर, कुछ माइल्ड डैमेज हुआ है तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है, और स्टोन का जो प्रोसेस है उसको तोड़ने का जो प्रोसेस है, उसको बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको स्पीड अप कर देता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई स्टोन का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो चाहता है कि किडनी का हेल्थ अच्छा रखे और यूरिन का हेल्थ अच्छा रहे, आपके यूरिन यूरिनरी ट्रैक्ट का जो अगर हेल्थ है उसको अच्छा रखे, तो आप 4 हफ्तों के लिए यूरी फ्लश का टैबलेट, 1 महीना, मतलब 1 महीना आप यूरी फ्लश टैबलेट के साथ 6 हफ्तों के लिए यूरी फ्लश का लिक्विड साथ में ले सकते हो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की हेल्थ को अच्छा रखना है, यूरिन ट्रैक के इन्फेक्शन से बचना है या यूरिन के ट्रैक के हेल्थ को अच्छा रखना है, 6 हफ्ते यूरी फ्लश लिक्विड, 4 हफ्ते आपको अपना टैबलेट, ये दोनों भी आप प्रिकॉशन के लिए आप ले सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है ये कि बस किडनी पेशेंट के लिए ही बना है। अब बात करें इसका डोजेस क्या है। अगर कभी जैसे नॉर्मल जो लोग हैं वो 2 चम्मच सुबह नाश्ता करने के बाद, 2 चम्मच रात में खाना खाने के बाद, सुबह 1 टैबलेट नाश्ता करने के बाद और रात में 1 टैबलेट खाना खाने के बाद, इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर कभी किसी को स्टोन्स की वजह से दर्द है या स्टोन्स का प्रॉब्लम आ चुका है तो आप जो अपना लिक्विड है उसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 15-15-15 ml लेना है। मतलब जो छोटा चम्मच होता है वो 5 ml का होता है, तो उससे या तो आप 3 चम्मच लीजिए या बड़ा टेबल स्पून जो 15 ml का होता है उससे 1 चम्मच लीजिए। तो सुबह 1 चम्मच, दोपहर में 1 चम्मच, रात में 1 चम्मच, और सुबह में 1 कैप्सूल और रात में 1 कैप्सूल। आई विश डोजेस सबको क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है सुबह शाम दोनों को साथ में लेना है, अगर प्रॉब्लम है तो आप लिक्विड को 3 टाइम भी ले सकते हैं, और हर एक 4 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आपको अपना KUB टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि स्टोन्स का साइज अभी कम हुआ है, एग्जैक्टली उसका लोकेशन क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर ऐसा हो 2 हफ्ते तक लगातार आप ले रहे बट आपको पेन कम नहीं हो रहा, इमिडिएटली आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। दूसरी चीज, अगर पेन किलर्स की जरूरत नहीं है ना तो प्लीज पेन किलर्स मत खाइए, क्योंकि हमारा जो ये जब लिक्विड और कॉम्बिनेट प्रोडक्ट जो टैबलेट आप दोनों साथ में लेंगे तो ये आपके दर्द को भी कम करने में हेल्प करता है, पेन को भी सबसाइड करता है, उसको कम करता है। कम से कम उस टाइम पे 2 से 3 लीटर पानी आपको दिन भर में जरूर पीना है, तो जो भी वो चीजें होंगी, टॉक्सिन्स होगा, उसको फ्लैश आउट भी कर देता है। और अगर बात करें, जैसा मैंने आपको भी पहले भी बताया, कुछ लोगों को होता है ना कि स्टोन्स का ऑपरेशन हुआ था तो फिर से होने के चांसेस है, तो आप अभी से ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि फिर से ये जो होने वाले चांसेस है उससे हमारा ये प्रोडक्ट आपको बचाता है। क्या चीजें ध्यान देनी है, हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो बस किडनी स्टोन के पेशेंट्स को ही देना है, गॉल ब्लैडर के पेशेंट्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। अब जैसे आप इस फोटो में देख रहे होंगे, एक ग्रीन सी चीज है जो उल्टी लटकी हुई है, दिस इज गॉल ब्लैडर। अब इसमें को अगर स्टोन्स हो जाता है तो उसमें कोई मेडिसिन डालना और उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन ऊपर से नीचे है, किडनी हो, हार्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन ये गॉल ब्लैडर उल्टा लटका होता है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको सही चीजें सजेस्ट करेंगे।
10 mm के ऊपर का स्टोन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हमारा जो यूरिफ्लश लिक्विड और टैबलेट है आप 9 mm के स्टोन तक आप रिकमेंड कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर जब भी आप ये प्रोडक्ट लें तो हर एक महीने के बाद आपको KUV टेस्ट करवाते रहना है। और कब तक लेना है? आपका जब तक स्टोन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक लेते हैं, और अगर हेल्दी है तो लिक्विड 6 हफ्ते और टैबलेट जो है वो 4 हफ्ते आपको लेना है, 1 महीने लगातार लेना है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा। तो ये हमारा एक यूनिक कॉम्बिनेशन था, यूरिफ्लश लिक्विड एंड यूरिफ्लश 3+ टैबलेट, जिसको हम कहते हैं यूरिफ्लश 3 का डिस्ट्रिकोन। ना रहेगा दर्द, ना जमेगा स्टोन। अब हम कुछ एडवांटेजेस पे बात करेंगे। आज हम थोड़े डिफरेंट एडवांटेजेस लेकर आए हैं। हमारे जो भी एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट के पीछे आप एक लाइन लिखा हुआ देखेंगे, API/IH as applicable। इसका मतलब क्या है? API का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया, एंड IH का मतलब होता है इन हाउस फॉर्मुलेशन। कुछ हमारे साइंटिस्ट के खुद से फॉर्मुलेशन है, तो ये जो प्रोडक्ट है, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो API के रेफरेंस पे बनाए गए हैं। API के कमिटी मेंबर नारायणा सर रह चुके हैं, तो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये API है उसके रेफरेंस में ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखी है, पार्ट ऑफ हर्ब यूज ऑन द पैक। हमारी जो भी जड़ी बूटियां हैं उसका हमने कौन सा पार्ट यूज किया है वो भी हमने अपने प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ है। जैसे अगर आप जो भी प्रोडक्ट देखेंगे, अगर उसमें इमली है तो वहां पे FT लिखा होगा, उसका फ्रूट डाला है। अगर उसमें रेवनचिनी है तो RT लिखा होगा, उसका रूट्स डाला है। अगर उसमें सरपुंखा है तो PL लिखा होगा, उसका पौधा डाला है। मतलब क्या है? Every herb has got 41 parts. हर एक जड़ी बूटी के 41 parts होते हैं। अगर हमें डालना पत्ता है और हम उस पे roots डाल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने हर एक जड़ी बूटी में कौन सा भाग डाला है वो भी हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट में हमने बैच टू बैच क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग की है। इसका मतलब क्या है? आज से 5 साल पहले मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट पहली बार बना होगा, हमने अलग अलग वेवलेंथ में उसकी हम एक फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, और फिर हमने आज कोई प्रोडक्ट बनाया उसका हम फिर से वो फिंगरप्रिंट लेते हैं और देखते हैं कि दोनों आसपास है या एक जैसा है। जब तक वो सिमिलर नहीं होता तब तक हमारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में रिलीज नहीं किए जाते। इसका मतलब क्या है? आज कोई अगर आप यूरिफ्लश टैबलेट या लिक्विड ले रहे हैं और 10 साल के बाद भी लेंगे तो उसका टेस्ट क्वालिटी इफेक्ट वो वैसा ही होगा। और आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड, मार्केट में 10 में से 1-2 कंपनी ही इसको करवा पाती है, बिकॉज इट्स अ कॉस्टली प्रोसीजर, ये थोड़ा महंगा होता है, हर कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हमारे हर एक बैच टू बैच जो है उसका क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होता है, जो हमारी प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा देता है। हर एक प्रोडक्ट में हमने नोबल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले। जैसे यूरिफ्लश की बात करें तो यूरिफ्लश में हमने पुनर्नवा डाला है, उसके साथ कुल्थी डाली है जिसको हम कुलत की दाल कहते हैं। अगर हम अपने टैबलेट की बात करें तो हम उसमें शास डाला है। ऐसे बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे। यही एक कारण है माय फ्रेंड हमारे प्रोडक्ट्स के इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट में हमने यूनिक कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में हमारे जितने भी एलिमेंट्स वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। आयुष में भी 2 तरीके के मार्क होते हैं, मैंने हमेशा ट्रेनिंग में बताया है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है प्रीमियम। स्टैंडर्ड मतलब इंडिया में बेच सकते हैं, प्रीमियम मतलब यू हैव अथॉरिटी टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो, आप इंडिया के बाहर में भी उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और ये आज से नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बहुत सालों से कह रही है, 2013 की न्यूज है, बाय आयुर्वेदिक ड्रग्स विद आयुष मार्क। जब भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खरीदे तो आयुष मार्क ध्यान से देखकर खरीदे, क्योंकि आयुष मार्क को बोला जाता है क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और हमने ये सारे प्रोडक्ट्स अभी हमने लिए हैं, इस 12 दिन में हमने टोटल 14 प्रोडक्ट्स के ऊपर बात किया है। हार्वेस्ट के चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में एक चीज पे मैं बात करूंगी, टाइप्स ऑफ कस्टमर। आपको 3 तरीके के कस्टमर मार्केट में मिलेंगे, A, B and C। ए को हम कहते हैं अच्छे हैं, बी को हम कहते हैं बीमार हो चुके हैं या होने वाले हैं या सिम्टम्स दिख रहे हैं, और सी को हम कहते हैं क्रिटिकल पेशेंट, कैंसर पोस्ट स्टेज। प्लीज आपको सी कैटेगरी में नहीं जाना है। आपने देखा ये जो सर्कल है वो ए और बी का ज्यादा बड़ा है, ए और बी में ज्यादा लोग आपको मिलेंगे। सी के लिए मार्केट में बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स है, उनको काम करने दीजिए, आपको सी में नहीं जाना है। तो हमारा जो मार्केट है वो ओनली A and B है, आपको A and B पे ही फोकस करना है, तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। और अभी
जो भी हमारे प्रोडक्ट्स किसी ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल है, कुछ लोग बहुत सस्ते रेट्स में कुछ फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बेच रहे हैं, प्लीज वो सारे प्रोडक्ट्स की कंपनी गारंटी नहीं लेती है, वो एक्सपायर्ड या फेक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए आपको जब भी कोई प्रोडक्ट लेना है, खासकर एमआई लाइफस्टाइल का, एलिमेंट्स वेलनेस का कोई प्रोडक्ट लेना है, तो आपको इंडिया शॉपिंग के आउटलेट से ही लेना है। आपको जिसने भी इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है, आप उनसे पूछिए, वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको सही जगह पता है जहां से वो प्रोडक्ट्स आपको ले सकते हैं। और indiashopee.com पे जाकर आप वहां से अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी देख सकते हैं और इंडिया शॉपिंग के आउटलेट से ही आप ये ले सकते हैं, तो इस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें, अगर इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे, यूरिफ्लश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट के थ्रू। डायलिसिस के प्रॉब्लम में बिल्कुल आपको नहीं जाना है, वो डॉक्टर्स आपका, वो डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर उनको बताएगी। एज लिमिट, जिनको भी स्टोन्स का प्रॉब्लम है आप उनको दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। डायबिटीज पेशेंट को दिया जा सकता है क्योंकि इसमें शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैप्सूल्स वगैरह दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में हमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। यूरिक एसिड पेशेंट को बिल्कुल आप ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में मिलाकर दे सकते हैं। 6.6 mm का, 3.6 mm का स्टोन है, बिल्कुल दे सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट को आप कॉम्बिनेशन में मिलाकर दीजिए। 20 mm का स्टोन है, प्लीज डॉक्टर को दिखाइए, मैंने बताया है 10 mm के ऊपर है तो डॉक्टर को दिखाइए। ये आपके किडनी के हेल्थ को भी अच्छा रखता है, तो आप इसको रेगुलर यूज भी अगर करेंगे तो किडनी के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। किसी को भी किडनी स्टोन का अगर प्रॉब्लम है तो ये इस प्रोडक्ट को ले सकता है, जिसको भी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है ये ले सकता है। उसका कोई अगर बच्चा है ज्यादा छोटा है तो आप लिक्विड से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब आप यूरिफ्लश लिक्विड और यूरिफ्लश टैबलेट दे रहे हैं तो डेली डिटॉक्स नहीं भी देंगे तो चलेगा, आप ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो सफिशियंट है, आपकी किडनी को अच्छा रखता है। किडनी के कोई भी सीरियस इश्यूज में हमें ये प्रोडक्ट नहीं देना है। 14 mm के स्टोन पे हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है, आप उनको डॉक्टर को दिखाइए और अगर उनकी मेडिसिन चली, क्योंकि उस पर नॉर्मली सर्जरी वगैरह रिकमेंड किया जाता है। मैंने आपको पहले बोला है 10 mm के ऊपर हमें नहीं जाना है। कितने मंथ तक लेना है, जितने मंथ तक आपका स्टोन्स नहीं निकल रहा है उतने मंथ तक आप ले सकते हैं। अगर किसी को बार बार किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो आप एज अ प्रिकॉशन, जैसे हम 95 या अपना कोई भी प्रोडक्ट प्रिकॉशन के लिए लेते हैं, आप उस तरीके से भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जिनको बार बार है तो अगर कोई स्टोन डेवलप भी हो रहा होगा तो वो भी कम हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीलेट पे आप बिल्कुल दे सकते हैं, ये हर तरीके के किडनी स्टोन पे काम करता है। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के कुछ महीनों के बाद आप इसको एज अ प्रिकॉशन भी ले सकते हैं, फिर से होने के जो चांसेस है उसमें कम करता है। देखिए, प्रोटीन पाउडर के साथ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि प्रोटीन पाउडर जब ज्यादा भी अगर हम प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो कभी कभी जिनको भी अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड के स्टोन्स का प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा प्रोटीन खाने की वजह से होता है। उस समय आपको प्रोटीन अवॉइड करना है, प्रोटीन नहीं लेना है। हमने इसमें टैबलेट का यूज क्यों किया है कैप्सूल्स में, क्योंकि हर एक फॉर्मुलेशन अलग होता है, तो टैबलेट जो है उसका एक अलग फॉर्मुलेशन है, तो इसमें हमने कैप्सूल्स का यूज नहीं किया है। हर एक चीज का अलग फॉर्मुलेशन है, वो साइंटिस्ट से आपको कंफर्म करके बता दिया जाएगा। बिल्कुल, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आप उनको दे सकते हैं, आप यूरिफ्लश लिक्विड के साथ यूरिफ्लश टैबलेट का कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उनको लिक्विड दे सकते हैं, अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, उनपे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एज मैंने आपको पहले बताया, जिनको भी स्टोन्स का प्रॉब्लम है आप उनको दे सकते हैं, बट जो भी लोग अगर स्टोन का प्रॉब्लम नहीं है, 18-19 साल के ऊपर है, अडल्ट है, तो आप उनको एज अ प्रिकॉशन भी दे सकते हैं। ओके, फिर आज की ट्रेनिंग हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, आई विश ये जो सीरीज हमने किया है वो आप सबके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर बिजनेस एंड प्रोडक्ट वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल नाउ।